हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बीटीयूपी से इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आया है, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी को एग्जाम को लेकर, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको लेकर भी आज की डेट में ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और रीचेक में तो लगभग किनको पास किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग सभी स्टूडेंट्स पास होंगे और रीचेक रिजल्ट कब आएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। हो सकता है 10 नवंबर को आ जाए, अगर आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट हम देते रहें। और हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आपको मॉडल पेपर, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। देखिए, कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में मॉडल पेपर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। देखिए, अंतिम मौका ये है जिन बच्चों ने अभी तक भी है ना, जिनके बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जिनके गड़बड़ियों में अभी तक सुधार नहीं हुआ रिजल्ट में, तो क्योंकि संस्था की तरफ से काफी डिटेल नहीं भेजी गई है जावेद से बता रहे हैं, और 31 यानी कल 31 अक्टूबर है। अगर कल आपके कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं होता है, आपका जो मार्कशीट में कोई गड़बड़ी है ना, माता पिता का नाम गलत है, तो भैया वो कल इसकी लास्ट डेट है। जिनका गलत है आज कर लें, मौका है, कल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, तो अपने कॉलेज में इन्फॉर्म कर दें। अगली अपडेट बच्चों निकल के आ रही है जीकब काउंसलिंग को लेकर, रिजल्ट कब आएगा मैं आपको बता दिया हूँ। रीचेक रिजल्ट बच्चों वो आपका है ना 10 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आ सकता है रीचेक रिजल्ट, और रीचेक में लगभग सारे बच्चे पास हो जाएंगे ऐसी अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर देखिए, मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ, इस नोटिस को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा, ये जो देख सकते हो जीकब काउंसलिंग जो हो रही है वो दिसंबर तक चलेगी। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिस आज की डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 राउंड से 12वीं राउंड तक काउंसलिंग होंगी। यहाँ पर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल लाइव मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये काउंसलिंग कब समाप्त हो रही है, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो 6 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, 6 दिसंबर, आप सोचो 6 दिसंबर, 6 दिसंबर तक आप लोगों की काउंसलिंग ही चलेगी साहब, है ना, 6 दिसंबर तक आप लोगों की काउंसलिंग ही चलेगी। तो बताओ दिसंबर में एग्जाम कैसे हो जाएगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें बताएं। जब आपका अभी नोटिस आया है ये 6 दिसंबर तक, है ना, 6 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग ही चल रही है भाई साहब, तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे ऐसे हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है बीटीयूपी का, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर और बीटीयूपी के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आपका एग्जाम होगा 28 दिसंबर को, ठीक है। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम 28 दिसंबर को होने वाला है अकॉर्डिंग टू बीटीयूपी के जो कैलेंडर आया था उसके अनुसार। लेकिन आप मुझे बताओ, अभी जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है उसके अनुसार आपकी काउंसलिंग 6 दिसंबर तक हो रही है, तो एग्जाम कैसे हो सकता है दिसंबर में, आप जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। हालांकि मेरा ऐसा ओपिनियन है, अब बीटीयूपी क्या करता है इसके रिगार्डिंग तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ये लोग एग्जाम दिसंबर में करा लें या नहीं कराए, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर टाइप करके बताएंगे। तो ये सारी चीजें आज के मतलब अपडेट ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से अपडेट जारी किया गया है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों निकल के आई है। उसके बाद देखिए, अब एक मौका दिया जा रहा है जो मतलब बच्चे इच्छुक हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। देखिए इनकी जो है ना, ये बढ़ा दी गई डेट, इसको अब मैंने बता दिया, आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो, 250 रुपए देकर आवेदन हो रहे हैं, तो जाके आप लोग आवेदन कर सकते हो। ये अपडेट निकल के आई है जैसे कि मैंने नोटिस के माध्यम से बता दिया। अब देखो भाई, पॉलिटेक्निक में 1.5 लाख सीटें खाली रह गई है और पॉलिटेक्निक की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है क्योंकि बच्चे बेरोजगार ज्यादा हैं इसको लेकर। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम बढ़ने के चांसेस हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि जब आप बताओ भैया वो सारी चीज मैंने नोटिस के माध्यम से बता दिए। अब बढ़ता नहीं बढ़ता, जब नोटिस आएगा बीटीयूपी की तरफ से तब पता होगा कन्फर्म। अभी आप लोग 28 दिसंबर से ही मान के चलेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपका एग्जाम 28 दिसंबर से हो पाएगा, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पॉलिटेक्निक की ये इतनी बुरी हालत आ गई भाई साहब, 25,000 आवेदन अभी तक आए हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो बच्चे इच्छुक हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, तो आप लोग करा सकते हो, काउंसलिंग का नया शेड्यूल आ गया, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगली अपडेट देख सकते हो, ये निकल के आई है बच्चों। यहाँ पर देखिए, प्लेसमेंट हो रहा है
रोजगार मेला राजकीय पॉलिटेक्निक तालवेहर दिनांक 3 तारीख को पूल कैंपस में यहां पर आयोजन कराया जा रहा है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं जाकर भैया अपना प्लेसमेंट कराएं और आगे से क्या क्या इंटरव्यू कब होगा नोटिस के माध्यम से सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग उसको चेकआउट भी नहीं करोगे। तो जो बच्चे इच्छुक हैं जाकर इसमें एडमिशन मतलब ले सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये आपकी जॉब्स है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अपडेट नोटिस जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें निकल के आई थी, जो बच्चे इच्छुक हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जाके इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिविल पास आउट 2021-22 के हैं, वो इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एग्जाम मैंने बता दिया किन भी है पर कि आपका डेट चेंज होगा, क्योंकि जब दिसंबर तक ही आपकी काउंसलिंग होगी तो दिसंबर में मतलब एग्जाम कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें निकल के आई थी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।